हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एडवांस फेजर एनालिसिस। इससे पहले हमने जो फेजर जो पढ़ा था वो एकदम हमने सिंपल वर्ड में देखा था। हम लोग बेसिकली दो एरो बनाते रहे थे और हम लोग ये देख रहे थे कि वोल्टेज की एरो और करंट की एरो हम लोग कंसिडर कर रहे थे। अगर वोल्टेज की एरो अगर आगे होती है और करंट की एरो अगर पीछे होती है तो इसका मतलब करंट लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को। और ऐसा केसेस हमें किस में मिलता है, इंडक्टर में मिलता है। सिमिलरली हमने कंसिडर किया था कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या हो रहा था, जो करंट की जो एरो थी वो आगे थी और जो वोल्टेज की जो एरो थी वो क्या थी, पीछे थी। इसका मतलब कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज है वो क्या करता है, लैग करता है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट के हेल्प से फेजर होता क्या है, एसी सर्किट में हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं फेजर को, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इन सिंपल वर्ड जो फेजर है उसका जो बेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फाउंडेशन था उसको हमने डेवलप किया था इन दैट कॉन्सेप्ट, राइट। अभी हम लोग करने वाले हैं एडवांस फेजर एनालिसिस, मतलब जो फेजर है उसको हम लोग एडवांस वे में अभी समझेंगे, राइट। तो अगर हम लोग एडवांस वे में अगर हम लोग फेजर को समझे तो हम लोग बोल सकते हैं फेजर इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ एनी साइनसॉइडल सिग्नल। तो जो फेजर है वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जो कि हमें क्या इंडिकेट करती है, एम्पलीट्यूड और फेज इंडिकेट करती है किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल का। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे जिसके बारे में हम लोग जिस एग्जांपल के हेल्प से जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटमेंट है, ये हमें समझ में आ जाएगा। तो फेजर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जो कि हमें इंडिकेट करते हैं एम्पलीट्यूड और फेज किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल के बीच। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है या फिर हम लोग बोल सकते जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वो हमें दो टाइप में मिलती है, एक पोलर फॉर्म और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरी जो फॉर्म होता है वो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ से हमने ये देखा फेजर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जो कि हमें क्या इंडिकेट करती है, एम्पलीट्यूड और फेज इंडिकेट करती है किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल का। और जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है कोई भी वो हमें दो टाइप में मिलती है, एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में और दूसरी होती है पोलर फॉर्म या फिर बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडवांस फेजर में हम लोग क्या करते हैं, जो फेजर है उसको हम लोग उसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो वाई एक्सिस होती है वो बेसिकली होती है इमेजिनरी एक्सिस और जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है रियल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेजर इज़ कंसिडर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो फेजर है उसको हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, रियल एक्सिस होती है, और जो वाई एक्सिस होती है कौन सी एक्सिस होती है, इमेजिनरी एक्सिस। अगर हम लोग ये एक्सिस को बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा आउटकम। यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया, ये है वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है ये है रियल एक्सिस और यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस हमें जो दिखाई दे रही है कौन सी एक्सिस है, ये है इमेजिनरी एक्सिस, जिसको हम लोग कैसा शो करते हैं, ये एक्सिस को हम लोग शो करते हैं बेसिकली प्लस जे से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्लस जे होता है वो एसोसिएटेड होता है, प्लस जे मतलब एट एन एंगल प्लस 90 डिग्री और माइनस जे का मतलब क्या, एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म विच इज़ एसोसिएटेड विद फेजर इज प्लॉट इन टाइम डोमेन। मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखें हम लोग जो साइन वेव जो कंसीडर करते हैं वो कौन से डोमेन में होता है, वो ऑब्वियसली टाइम डोमेन में होता है। वाई एक्सिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं वोल्टेज और एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग कंसीडर करते हैं टाइम। तो जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है उसको हम लोग कौन से डोमेन में प्लॉट करते हैं, जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं बेसिकली टाइम डोमेन में। मगर जो फेजर है उसको हम लोग कौन से डोमेन में प्लॉट करेंगे, उसको हम लोग प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइनसॉइडल वेवफॉर्म विच इज़ एसोसिएटेड विथ फेजर इज़ प्लॉट इन टाइम डोमेन, उसको हम लोग टाइम डोमेन में प्लॉट करेंगे, और जो फेजर है उसको हम लोग कौन से डोमेन में प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करेंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों प्लॉट करेंगे, आप ये जब आगे देखोगे एडवांस स्टडी करोगे मतलब कंट्रोल सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम, तभी हम लोग ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो एनालिसिस होती है वो बहुत आसान हो जाती है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग टाइम डोमेन ही कंसीडर करेंगे लास्ट तक के, जैसे कि हम लोग कुछ सिग्नल कंसीडर करेंगे टाइम डोमेन में, राइट, फिर उसके बाद हम लोग वो सिग्नल की एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम लोग फेजर डोमेन भी बोल सकते हैं क्योंकि जो फेजर है उसको ऑब्वियसली हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंसीडर कर रहे हैं, तो फेजर डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोग एक ही एज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये टाइम डोमेन में हमने कंसीडर किया ये है सिग्नल, तो यहाँ पर ये टाइम डोमेन में हमने वोल्टेज सिग्नल कंसीडर किया वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर ये वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज सिग्नल सबसे पहले कौन सा सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, ये है वोल्टेज सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सिग्नल है वो हमें कौन से टर्म में दिखाई दे रहा है, कोसाइन के टर्म में या फिर साइन के टर्म में। तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो वोल्टेज सिग्नल है ये हमें कोसाइन के टर्म में दिखाई दे रहा है।
सिमिलरली यहाँ पर ये वाला कौन सा सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है वो है, ये भी है वोल्टेज सिग्नल, और ये जो वोल्टेज सिग्नल है आपको कौन से टर्म में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है साइन के टर्म में। जो वी एम है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो, या फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू आपको इंडिकेट कर रहा है, पीक वैल्यू आपको इंडिकेट कर रहा है किसकी, वोल्टेज की। और यहाँ पर ये जो फाई हमें जो दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है फेस एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने वोल्टेज इक्वेशन कंसिडर किया कौन से डोमेन में, टाइम डोमेन में। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर फेजर लिखे, फेजर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया हम लोग वेव फॉर्म टाइम डोमेन में कंसीडर करते हैं, मगर जो फेजर है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाते हैं, जिसमें हमें दो एक्सिस मिलती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस होती है इमेजिनरी एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस होती है वो रियल एक्सिस। हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें एनालिसिस आसान होती है, हम लोग देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में। मगर आपको इतना पता होना कि जो पता होना चाहिए कि जो फेजर है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कोसाइन और साइन, ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, कोसाइन का सिग्नल या फिर साइन का सिग्नल दोनों में से किसी एक को हम लोग रेफरेंस लेके चल सकते हैं। तो अगर हम लोग कोसाइन के सिग्नल को अगर हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे, और अगर टाइम डोमेन में अगर हमें वोल्टेज सिग्नल दिया हुआ है कोसाइन के फॉर्म में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग फेजर इक्वेशन कैसा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वी एम एट एन एंगल फाई। कैसा लिखेंगे, वी एम एट एन एंगल फाई। सिमिलरली यहाँ पर ये टाइम डोमेन में हमें वोल्टेज इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम डोमेन में वोल्टेज इक्वेशन दिया हुआ है, और ये किसके टर्म में दिया हुआ है, साइन के टर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग फेजर डोमेन में इक्वेशन लिखे, तो हम लोग लिखेंगे वी एम एट एन एंगल फाइव माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने फाइव माइनस 90 डिग्री क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो साइन का सिग्नल और जो कोसाइन का सिग्नल होता है दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कोसाइन का सिग्नल कंसीडर किया और यहाँ पर हमने फाई लिखा है, तो यहाँ पर ये साइन का सिग्नल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फाई माइनस 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वोल्टेज सिग्नल के बारे में बात किया, सिमिलरली करंट सिग्नल को लिखे, तो करंट सिग्नल को हम लोग ऐसा लिखते हैं आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर ये कोसाइन का सिग्नल है, कोसाइन को रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, तो जो भी सिग्नल को रेफरेंस लेके चल रहे तो एट एन एंगल प्लस फाई, और जो नॉन रेफरेंस सिग्नल होगा वो होगा एट एन एंगल फाइव माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कोसाइन का जो सिग्नल है इसको हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं रेफरेंस सिग्नल, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे आई एम एट एन एंगल फाइव। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये साइन का सिग्नल है, यहाँ पर ये करंट सिग्नल है जो कि साइन रिप्रेजेंटेशन में, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसका फेजर इक्वेशन आई एम एट एन एंगल फाइव माइनस 90 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेजर डोमेन में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन जो लिखा फेजर इक्वेशन, वो हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। सिमिलरली फेजर इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वीएम आईएम उसके डिनोमिनेटर में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अंडर रूट टू। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है उसका दो फॉर्म होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म और दूसरा एक पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोला जाता है, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अगर दो फॉर्म होता है, और फेजर अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो फेजर का भी हमें दो फॉर्म मिलेगा, एक होगा पोलर फॉर्म ऑफ फेजर और दूसरा होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ फेजर। तो अगर हम लोग देखें फेजर का, अगर हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म कंसिडर करें, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है ये हमने कंसिडर कर लिया रियल एक्सिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेक्टेंगुलर फॉर्म को समझने से पहला, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्स है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है रियल पार्ट, और यहाँ पर ये जो जे वाई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये दोनों का जो एडिशन होगा वो हमें क्या दे देगा, रिजल्टेंट वैक्टर दे देगा, जो कि होगा जेड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें, यहाँ पर ये वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रियल एक्स, रियल टर्म की जो वैल्यू वो क्या है, वो है एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रियल टर्म की जो वैल्यू है वो है एक्स। तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर बनाया, और ये जो वेक्टर या फिर बोल सकते हैं फेजर, इसकी जो वैल्यू है हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है एक्स। सिमिलरली जो इमेजिनरी टर्म है उसकी जो वैल्यू क्या है, वो है जे वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने बनाया एक इमेजिनरी वैक्टर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी जे वाई। अगर हम लोग ये वाला वैक्टर, यहाँ पर ये वाला वैक्टर और ये वाला वैक्टर जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, अगर दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट वैक्टर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी जेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाई वाला वेक्टर और एक्स वाला वेक्टर दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे, वर्टिकली भी डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें बीच में कुछ इस तरीके से जो लाइन जो मिल रही है, ये वाला जो वेक्टर हमें जो मिल रहा है, ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थीटा है वो हमें क्या इंडिकेट करेगा, ये जो थीटा एंगल है यहाँ पर, ये जो थीटा है सबसे पहला ये है क्या, ये है एंगल। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि हमें ये एरो शो कर रही है, ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, ये हमें इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ फेजर। सिमिलरली दूसरा जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बहुत काम आने वाला है कंट्रोल सिस्टम में और सिग्नल सिस्टम में। पोलर फॉर्म को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू आर एट एन एंगल थीटा। और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फेजर, उसका मैथमेटिकल रिलेशन ये होता है जेड इज इक्वल टू आर इंटू ए टू दी पावर जे थीटा। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये जो फॉर्म है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म मिल रहा है ई टू दी पावर जे थीटा। सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में जो कि ई टू दी पावर जे ओमेगा के फॉर्म में होते हैं ऐसे सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोई भी सिग्नल या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी टर्म जो कि आपको ई टू दी पावर जे के टर्म में मिले, ई टू दी पावर जे के फॉर्म में मिले, तो ऐसे केस में जो टर्म होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म। इसके बारे में आप इन डेप्थ डिस्कशन करोगे सिग्नल सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फेजर हमें कुछ इस तरीके से मिलता है जेड इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर जे थीटा। यहाँ पर ये जो आर हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है एम्पलीट्यूड या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ये जो थीटा हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है फेस एंगल। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म में जो आर होता है पोलर फॉर्म का ये वाला रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये वाला रिप्रेजेंटेशन। पोलर फॉर्म में जो आर होता है बराबर में होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सिस्टम में बहुत बार यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये जो थीटा होता है बराबर में होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन कंट्रोल सिस्टम में लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और यहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखें जो आर है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर ये जो थीटा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फेस एंगल इंडिकेट कर रहा है आर एम्पलीट्यूड। और जो थीटा है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें इंडिकेट करता है फेस एंगल, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो थीटा जो कंसिडर किया था, यहाँ पर ये जो हमने जो थीटा जो कंसिडर किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमने जो थीटा जो कंसिडर किया था, यहाँ पर ये वाला जो थीटा हमने जो कंसिडर किया था रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये भी हमें क्या इंडिकेट करता है, फेस एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया पोलर फॉर्म में जो आर होता है वो होता है एम्पलीट्यूड और जो थीटा होता है वो होता है फेस एंगल। आर की वैल्यू इसके बराबर में होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और थीटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर में होती है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स के। ये वाला जो फॉर्म होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आर होता है वो होता है एम्पलीट्यूड और जो थीटा होता है वो होता है फेस एंगल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जेड इज इक्वल टू फाइव आर ई टू दी पावर जे पाई बाय फोर हमने लिखा, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी जो वैल्यू की कितनी होने वाली है, फाइव होने वाली है। और जो फेस एंगल है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी पाई बाय फोर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइव और जो फेस एंगल है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें मिलेंगी पाई बाय फोर। एम्पलीट्यूड को हम लोग एक और एक नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमने बात किया पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हमारे पास दो सिग्नल है जैसे कि हमने डिस्कस किया, वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल, राइट। वोल्टेज सिग्नल को हम लोग कंसिडर करेंगे जो कि कोसाइन रिप्रेजेंटेशन और साइन रिप्रेजेंटेशन में होगा। फिर हम लोग ये देखेंगे दोनों में से हम लोग कोई भी एक सिग्नल को रेफरेंस कंसिडर करते हुए चलेंगे, और वो रेफरेंस सिग्नल के रेस्पेक्ट में ही सारे जो पैरामीटर्स होंगे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक जो सिग्नल होता है वोल्टेज सिग्नल, और दूसरा जो सिग्नल होता है कौन सा सिग्नल होता है, करंट सिग्नल होता है। तो हमारे पास पहला जो सिग्नल होता है वो होता है वोल्टेज सिग्नल, और दूसरा जो सिग्नल है वो है करंट सिग्नल। हमें पता है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग दो ही क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, वोल्टेज और करंट, राइट। तो हमारे पास बेसिकली दो सिग्नल है, ये जो वोल्टेज और जो करंट है इसको हम लोग सिग्नल के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया भी था जब हम लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे थे। तो हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक जो सिग्नल होता है वो होता है वोल्टेज सिग्नल, और दूसरा जो सिग्नल होता है कौन सा सिग्नल होता है, करंट सिग्नल होता है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सिग्नल है इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो है साइन रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कोसाइन रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगर हम लोग करंट सिग्नल कंसिडर करें तो जो करंट सिग्नल है उसको भी हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है साइन रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कोसाइन रिप्रेजेंटेशन। तो वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल दोनों को हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है साइन, और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कॉस। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वोल्टेज सिग्नल के बारे में, राइट।
तो हम लोग वोल्टेज सिग्नल के लिए हम लोग जो भी पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे सेम करंट सिग्नल के लिए भी वैसा ही रहेगा, राइट। यहाँ पर हम लोग एडवांस फेजर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट होगा फेजर का, राइट। और यहाँ पर फेजर के रिलेटेड हमें और थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो वोल्टेज सिग्नल होगा वो हमारा वो या तो साइन रिप्रेजेंटेशन में होगा या तो कॉस रिप्रेजेंटेशन में होगा, राइट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वोल्टेज सिग्नल हमने कंसीडर किया, और ये जो वोल्टेज सिग्नल है कौन से रिप्रेजेंटेशन में, साइन रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पर ये वी वन ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम, और यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है साइन। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो वोल्टेज सिग्नल है इसको हमने साइन रिप्रेजेंटेशन में शो किया है। यहाँ पर ये जो वी एम हमें जो दिखाई दे रहा है, जो वी एम है वो है क्या, ये है पीक वैल्यू। और यहाँ पर ये जो ओमेगा टी हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर ये जो थीटा वन हमें जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है फेज शिफ्ट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वोल्टेज के सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वी एम हमें इंडिकेट कर रहा है पीक वैल्यू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा टी हमें इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, और जो थीटा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है फेज शिफ्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने वोल्टेज सिग्नल को लिखा इन साइन रिप्रेजेंटेशन, सिमिलरली कोसाइन रिप्रेजेंटेशन में वोल्टेज सिग्नल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वी वन ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कोसाइन रिप्रेजेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर कॉस का टर्म अपियर कर रहा है। और यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन में भी ये जो वी एम है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पर ये जो ओमेगा टी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर ये जो थीटा है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है फेज शिफ्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग दोनों में से कोई भी जो सिग्नल है, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन, या तो साइन रिप्रेजेंटेशन या तो कोसाइन रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से किसी भी एक को हम लोग रेफरेंस कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। तो हम लोग ये जो साइन का जो सिग्नल है इसको हम लोग रेफरेंस कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो अगर हम लोग ये साइन के सिग्नल को रेफरेंस कंसीडर करते हुए चल रहे, और अगर हमें क्वेश्चन में अगर कोसाइन का सिग्नल अगर दे दिया जाए, तो जो कोसाइन का जो सिग्नल होगा उसे हमें कन्वर्ट करना होगा साइन के सिग्नल में फर्दर एनालिसिस के लिए। सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन में अगर हम लोग रेफरेंस कंसीडर करते हुए चल रहे कोसाइन सिग्नल को, अगर रेफरेंस सिग्नल अगर हमारा कोसाइन सिग्नल होता है तो, और क्वेश्चन में अगर हमें साइन सिग्नल दे दिया जाए, तो जो साइन सिग्नल होगा उसे हमें कोसाइन सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा फर्दर एनालिसिस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग दोनों में से कौन सा सिग्नल रेफरेंस लेते हुए चल रहे ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग साइन सिग्नल रेफरेंस लेते हुए चल रहे तो जितने भी जो पैरामीटर होंगे वो हम लोग साइन सिग्नल की रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका अगर हम लोग फेजर इक्वेशन लिखें, इसका अगर हम लोग फेजर इक्वेशन लिखेंगे साइन के सिग्नल का, तो हमें मिलेगा वी एम एट एन एंगल प्लस माइनस थीटा वन। यहाँ पर हमने फेजर को लिखा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग पीक वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वी एम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो वी एम है ये है क्या, ये है पीक वैल्यू। तो यहाँ पर हमने फेजर इक्वेशन को लिखा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। सिमिलरली जो फेजर इक्वेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू के टर्म में लिखे, यहाँ पर ये जो वी एम हमें जो दिखाई दे रहा है, वी एम के डिनोमिनेटर में हमें क्या कंसिडर करना होगा, वी एम के डिनोमिनेटर में हमें कंसिडर करना होगा अंडर रूट टू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने वी एम के डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लिया अंडर रूट टू, और यहाँ पर हमें शिफ्टिंग कितने से दिखाई दे रही है, थीटा वन से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एट एन एंगल प्लस माइनस थीटा वन। और सिमिलरली यहाँ पर हमने पीक वैल्यू के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी एम एट एन एंगल प्लस माइनस थीटा वन। तो यहाँ पर हमने फेजर को लिखा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, और यहाँ पर हमने फेजर को लिखा इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, राइट। तो जब भी हम लोग फेजर को पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो सिर्फ वी एम होगा, और आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो वी एम अपॉन अंडर रूट टू होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फेजर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसके हेल्प से हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग रेफरेंस सिग्नल अगर साइन सिग्नल लेते हुए चल रहे तो जितने भी जो पैरामीटर होंगे वो हमें देखना होगा कि वो साइन सिग्नल के ही फॉर्म में हो। सिमिलरली अगर हम लोग और क्वेश्चन में अगर कोसाइन सिग्नल दे दिया जाए तो जो कोसाइन सिग्नल होगा उसे हमें साइन सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, राइट। साइन सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ही फर्दर हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसके हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने ये हम कंसीडर किया है रेफरेंस सिग्नल जो कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस हमने यहाँ पर कंसीडर किया है थीटा। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हमने जो कंसीडर किया कौन सा सिग्नल है, ये है रेफरेंस सिग्नल। और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो हमें कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है, साइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो जो भी सिग्नल की हम लोग एनालिसिस करेंगे वो जो सिग्नल है वो कैसा होना चाहिए, ये रेफरेंस सिग्नल से मैच करना चाहिए। और ये जो रेफरेंस सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी हमें कैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने कुछ सिग्नल्स कंसीडर करे, यहाँ पर ये एक्स वन ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री,
और यहाँ पर ये दूसरा सिग्नल x2 of t is equal to minus 10 sin omega t minus 70 degree, यहाँ पर ये तीसरा सिग्नल x3 of t is equal to minus 5 cos omega t plus 30 degree। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने तीन सिग्नल कंसीडर करे, अभी हमें देखना होगा तीनों में से कौन सा सिग्नल हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच करता है। अगर जो भी सिग्नल हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच कर जाएगा तो जो सिग्नल है उसका हम लोग फेजर आसानी से लिख लेंगे, और कोई ऐसा सिग्नल है जो कि रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच नहीं कर रहा है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग फेजर डायरेक्टली लिख नहीं सकते। जो सिग्नल जो कि हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच नहीं कर रहा है, वो जो सिग्नल है उसे हमें रेफरेंस सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, रेफरेंस सिग्नल के तरह बनाना होगा, फिर जाके वो जो पर्टिकुलर जो सिग्नल है उसका हम लोग फेजर इक्वेशन लिख पाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला सिग्नल हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा? ये वाले सिग्नल में हमें साइन का टर्म तो दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, वो है नेगेटिव, मगर हमारा जो रेफरेंस सिग्नल है उसमें जो एम्पलीट्यूड हमें जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, वो है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है वो हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इस सिग्नल को हमें मॉडिफाई करना होगा और कुछ इस तरीके से बनाना होगा ताकि जो सिग्नल है वो हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ क्या कर जाए, मैच कर जाए। और जैसे सिग्नल रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख पाएंगे फेजर इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला सिग्नल कंसीडर करें तो यहाँ पर ये वाला भी जो सिग्नल है वो रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि अगर हम लोग देखें, सबसे पहला है जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, जो सिग्नल है वो कोसाइन का सिग्नल है और यहाँ पर माइनस साइन भी है, तो ये जो सिग्नल है एक्स थ्री ऑफ टी ये तो बिल्कुल भी हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो कोसाइन ऑफ टी जो सिग्नल है इसे हमें कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा कि जो सिग्नल है वो हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच कर जाए, और जैसे ही सिग्नल रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच कर जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग फेजर इक्वेशन लिख पाएंगे सिग्नल के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें सिग्नल को, अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमने कंसीडर किया और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है माइनस साइन और नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस साइन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हमें इंडिकेट करती है माइनस साइन और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हमें इंडिकेट करती है प्लस साइन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट करती है माइनस कॉस और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है प्लस कॉस। आई होप आपको पता होगा ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाए तो पॉजिटिव एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव एक्सिस, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव एक्सिस। वहाँ पर ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में प्लस कॉस, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कॉस, ओरिजिन के ऊपर माइनस साइन और ओरिजिन के नीचे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस साइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों जो सिग्नल है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। जैसे हम लोग तीनों सिग्नल को एक बार प्लॉट कर देंगे, फिर उसके बाद जो सिग्नल है उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिग्नल को कंपेयर करेंगे कि मॉडिफिकेशन के बाद भी हमारा जो सिग्नल है रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच कर रहा है या नहीं, जो कि मैच कर जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फेजर इक्वेशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे कि मैं आपको थोड़ा टाइम पहले बोल रहा था, एनालिसिस करने के लिए हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो भी जो रेफरेंस सिग्नल है वो गिवन सिग्नल के साथ मैच करना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच करना चाहिए। अगर मैच करता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे फेजर इक्वेशन। अगर हमारा रेफरेंस सिग्नल अगर साइन है मगर क्वेश्चन में अगर कोसाइन सिग्नल दिया है तो कोसाइन को हमें कन्वर्ट करना होगा साइन सिग्नल में, हमारे रेफरेंस सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके वो जो सिग्नल है उसका हम लोग फेजर इक्वेशन लिख पाएंगे। अगर कोसाइन सिग्नल अगर हमें दिया और अगर हमारा रेफरेंस अगर साइन का सिग्नल है और अगर हम लोग डायरेक्टली अगर फेजर इक्वेशन लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गिवन सिग्नल होगा उस हमें रेफरेंस सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, रेफरेंस सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ही वो जो सिग्नल है उसको हम लोग फेजर इक्वेशन लिख पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये दोनों जो सिग्नल है वो रेफरेंस सिग्नल के फॉर्म में नहीं है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेफरेंस सिग्नल के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ये वाला सिग्नल x1 of t is equal to 5 sin omega t plus 60 degree हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्लस साइन हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस साइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस साइन यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना है, वो है प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्लस 60 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा। और एक चीज़ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताना भूल गया, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते जो कि हमने नहीं डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो साइन का जो सिग्नल होता है वो क्या करता है, लैग करता है कोसाइन के सिग्नल को कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है। सिमिलरली जो कोसाइन का जो सिग्नल है वो लीड करता है साइन के सिग्नल को कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। हम लोग दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, साइन का सिग्नल लैग करता है कोसाइन के सिग्नल को 90 डिग्री से, उसका मतलब जो कोसाइन का जो सिग्नल होगा वो साइन के सिग्नल को क्या करेगा, लीड करेगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। कोसाइन सिग्नल लीड साइन सिग्नल बाय 90 डिग्री। ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लीडिंग मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ क्या एसोसिएटेड होता है,
पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड होती है। अगर हम लोग पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव साइन हमें कंसीडर करना होगा। सिमिलरली लैग का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन, मतलब ये लीड एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव साइन और लैग क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये नेगेटिव साइन ये एसोसिएटेड होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे मेमोराइज करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लैग है सबसे आसान तरीका आप कंसिडर कर सकते हो, बेसिकली मैं कंसिडर करता हूँ, अगर आपको सही लगा तो आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट्रिक्शन अप टू यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लैग हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हमें कितने लेटर दिखाई दे रहे, 3, और यहाँ पर ये जो लीड है इसमें हमें कितने लेटर दिखाई दे रहे, 4। इसका मतलब ये जो लीड है इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकल लेटर है और जो लैग है इसमें कम अल्फ़ाबेटिकल लेटर है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकल लेटर ज़्यादा है और क्लॉकवाइज में जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है वो कम है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो लैग है उसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर कम है और क्लॉकवाइज में भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर कम है और लीड में अल्फ़ाबेटिकल लेटर ज़्यादा है इसका मतलब, और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज में भी जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है कि लीड आ गया इसका मतलब ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकल लेटर, और अल्फ़ाबेटिकल लेटर किस में ज़्यादा होता है, एंटी क्लॉकवाइज में या फिर क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा होता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट कंसीडर कर सकते हो मेमोराइज़ करने के लिए, ये ट्रिक कंसीडर कर सकते हो कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ करने के लिए। लीड आ गया इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लैग आ गया इसका मतलब क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को हम लोग कैसा मेमोराइज़ करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेमोराइज़ करने की अगेन सिंपल ट्रिक है, नेगेटिव साइन क्लॉकवाइज के साथ एसोसिएटेड होती है, पॉजिटिव साइन एंटी क्लॉकवाइज के साथ एसोसिएटेड होती है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने कार खरीदी और वो जो कार है उसकी जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड वो कितनी है, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल मान लेते हैं, रफ एग्जांपल 200 किलोमीटर पर आवर। मगर जब आप वो कार को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाना चाह रहे थे तब वो जो कार है उसकी जो स्पीड है वो आपको कितनी मिली, आपको मिली 190 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो कार की जो स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर, मगर जब आपने कार को चलाया तो आपको मैक्सिमम स्पीड कितनी मिली, आपको मिली 190 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपकी जो एक्चुअल जो स्पीड है वो डिज़ायर्ड स्पीड को क्या कर रही है, लैग कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो जो कार की जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड के क्या है, पीछे। कार की जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड को क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो अगर आप कोई कार खरीदते हो जिसकी स्पीड डिज़ायर्ड स्पीड से मतलब 200 से अगर कम है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया वो कार को लेके। कार पे लिखा है कि 200 उसकी मैक्सिमम है और जब आप चलाए तो आपको 190 मिली, तो ये क्या, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, राइट, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसका मतलब जो कार की जो स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड को क्या कर रही है, लैग कर रही है, और ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो आप मेमोराइज़ कर सकते हो लैग मतलब क्या, नेगेटिव साइन। तो ये बेसिकली जो मेमोराइज़ करने का जो तरीका है ये मैं कंसीडर करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप भी कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज आपका कुछ अलग मेथड होगा ये चीज़ को मेमोराइज़ करने का, राइट। तो ये मेरा तरीका था चीज़ को मेमोराइज़ करने का, चीज़ को समझने का, अगर आपको सही लगा तो आप अज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट इज़ ऑन अप टू यू। तो जैसे हमने डिस्कस किया लीड मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या, पॉजिटिव साइन, लैग मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या, नेगेटिव साइन। आप ये इतना समझ गए बस आपकी आगे की जो एनालिसिस होगी वो आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया पहला वाला जो सिग्नल है 5 sin ωt + 60°, ये कौन सा सिग्नल है, x1 सिग्नल। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस साइन वाली जो एक्सिस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कितना, +60°। इसका मतलब जो x1 जो सिग्नल है वो कितना है, वो है +60°। यहाँ पर ये जो x1 जो सिग्नल है इसमें जो फेज शिफ्टिंग है वो आपको कितनी दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है +60°। +60° का मतलब क्या, क्लॉकवाइज प्लस साइन आ गई, तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, प्लस साइन आ गई इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और माइनस साइन है इसका मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप देखो प्लस साइन मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें कौन से डायरेक्शन में जाना होगा, कर्सर की टिप हमें ये वाले डायरेक्शन में जाना होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो +60° है, +60° वो समवेयर अराउंड आपको यहाँ पर मिलेगा, +60° आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया ये x1 सिग्नल, यहाँ पर हमने क्या किया, x1 सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये हमें +60° दिखाई दे रहा है। प्लस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो और 60° का एंगल कंसीडर करें तो जो x1 जो सिग्नल है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। और हमने साइन से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये प्लस साइन है, अगर माइनस साइन होता तो हम लोग ऊपर वाली एक्सिस से स्टार्ट करते और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते 60°, तो हमें कहीं समवेयर अराउंड यहाँ पर हमें मिलता है x1 सिग्नल, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर आपको मिलता x1 सिग्नल।
सिमिलरली यहाँ पर आपने जो एक्स वन ऑफ टी जो सिग्नल है उसको तो आपने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। अब ये दूसरा वाला सिग्नल कंसिडर कर लो, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल, जो कि है माइनस टेन साइन ओमेगा टी माइनस 70 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ये है माइनस साइन, माइनस साइन वाली जो एक्सिस है वो आपको कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है माइनस साइन वाली एक्सिस यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस 70 डिग्री। माइनस साइन मतलब क्या होता है, क्लॉक वाइज डिरेक्शन में, और क्लॉक वाइज डिरेक्शन में आपको कितना एंगल कवर करना है, 70 डिग्री का एंगल कवर करना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये माइनस साइन, ये माइनस साइन से अगर आप स्टार्ट करो और 70 डिग्री का एंगल कवर करो तो आपको समवेयर अराउंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स टू ऑफ टी सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया एक्स टू ऑफ टी सिग्नल, और यहाँ पर जो एंगल है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 70 डिग्री। हमने एक्स टू ऑफ टी सिग्नल को भी प्लॉट कर लिया, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल को भी प्लॉट कर लिया। तीसरा वाला जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, एक्स थ्री ऑफ टी सिग्नल, जो कि है माइनस फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, माइनस कॉस दिखाई दे रहा है और प्लस 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला माइनस कॉस वाली अगर हम लोग एक्सिस कंसिडर करें तो माइनस कॉस वाली जो एक्सिस है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है प्लस 30 डिग्री। इसका मतलब आपको एंटी क्लॉक वाली डायरेक्शन में जाना है और कितना एंगल कवर करना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये माइनस कॉस वाली एक्सिस से अगर हम लोग 30 डिग्री का एंगल अगर ट्रेस करें तो समवेयर अराउंड 30 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमें कुछ इतना मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स थ्री ऑफ टी सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने तीनों सिग्नल को बना दिया, तीनों सिग्नल को हमने प्लॉट कर दिया। तो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्नल्स होंगे उसको हम लोग ग्राफिकली क्या कर लेंगे, ग्राफिकली हम लोग सिग्नल को कर लेंगे प्लॉट। अभी आ जाते हैं हम लोग सिग्नल को कंपेयर करने पर। अगर हम देखिए एक्स वन ऑफ टी सिग्नल को अगर ये वाले सिग्नल से अगर हम लोग कंपेयर करें रेफरेंस सिग्नल से, तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो एक्स वन ऑफ टी जो सिग्नल है इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो हमें कैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है पॉजिटिव। और ये जो रेफरेंस सिग्नल है इसमें भी हमें जो एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पर ये जो एक्स वन ऑफ टी जो सिग्नल है इसमें हमें साइन का टर्म मिल रहा है। सिमिलरली जो हमारा जो माना हुआ जो सिग्नल है रेफरेंस सिग्नल, उसमें भी हमें क्या मिल रहा है, साइन का टर्म मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल दोनों मैच कर गए। तो ये वाले सिग्नल को आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, फेजर इक्वेशन लिखोगे। तो ये वाले सिग्नल का अगर हम लोग फेजर इक्वेशन लिखे तो हमें यहाँ फाइव एट एन एंगल कितना डिग्री है, प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये प्लस 60 डिग्री, यहाँ पर हमने फेजर इक्वेशन को लिखा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू हमने फेजर इक्वेशन लिखा। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू अगर हम लोग लिखे तो हमें मिल जाएगा फाइव अंडर रूट टू एट एन एंगल प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने फेजर इक्वेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक्स टू ऑफ टी सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है और ये जो रेफरेंस सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, इसे हमें क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, राइट। और इसे हमें रेफरेंस सिग्नल के फॉर्म में लेके आना होगा। तो हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, सबसे पहले एक्स टू ऑफ टी सिग्नल अगर हम लोग देखें, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल हमें ग्राफ में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्स टू ऑफ टी जो सिग्नल है वो हमें ग्राफ में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्स टू ऑफ टी सिग्नल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप। यहाँ पर ये जो एक्स टू ऑफ टी जो सिग्नल है वो है माइनस साइन सिग्नल, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। माइनस टेन साइन ओमेगा टी माइनस 70 डिग्री वाला सिग्नल है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है वो कौन से सिग्नल के फॉर्म में आ जाए, रेफरेंस सिग्नल के फॉर्म में आ जाए, मतलब प्लस साइन के फॉर्म में आ जाए। प्लस साइन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस साइन वाली एक्सिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्लस साइन वाली एक्सिस आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो प्लस साइन वाली जो एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है, ये प्लस साइन वाली रेफरेंस एक्सिस, इसको आपको कहाँ तक के लेके जाना होगा, आपको लेके जाना होगा एक्स टू ऑफ टी सिग्नल तक के, मतलब आपको ये वाले सिग्नल तक के लेके जाना है एक्स टू ऑफ टी सिग्नल को। कौन से एक्सिस को उठा के, ये प्लस साइन वाली एक्सिस को उठा के आपको यहाँ पर ये एक्स टू ऑफ टी सिग्नल को लेके, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल तक के आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्लस साइन वाली एक्सिस को उठा के एक्स टू ऑफ टी सिग्नल तक ले जाने के लिए हमारे पास बेसिकली दो डायरेक्शन अवेलेबल है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास दो रास्ता अवेलेबल है, एक छोटा रास्ता अवेलेबल है और एक बड़ा रास्ता अवेलेबल है। तो अगर हम लोग देखें, जो छोटा वाला जो रास्ता होगा वो हमें कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो बड़ा वाला जो रास्ता होगा वो आपको कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, जो बड़ा वाला जो रास्ता है हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप केयरफुली ये कर्सर की टिप को देखना, यहाँ पर ये प्लस साइन, यहाँ पर ये जो प्लस साइन वाली जो एक्सिस है इसको उठा के हमें एक्स टू ऑफ टी तक के लेके जाना है। तो यहाँ पर हमें दो रास्ते मिल रहे हैं, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा वाला रास्ता। तो छोटा वाला रास्ता हमें ये वाला मिल रहा है, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, ये वाला छोटा रास्ता। और बड़ा वाला जो रास्ता है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये बड़ा वाला रास्ता आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये कंसिडर करना है कि छोटा वाला रास्ता कौन सा और वो छोटे वाले रास्ते को फॉलो करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो छोटा वाला जो रास्ता है इसे हमें क्या करना है, हमें छोटे वाले रास्ते को फॉलो करना है। तो अगर हम लोग ये छोटे वाले रास्ते को फॉलो करें और यहाँ पर ये जो साइन वाली जो एक्सिस है इसको अगर हम लोग एक्स टू टी तक के लेके जाए तो हम लोग ओवरऑल प्रोसेस में कितना एंगल कवर करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 90 डिग्री।
सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें कितना मिलेगा, ये डॉटेड एंगल हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो एंगल है वो कितना है, वो है 70 डिग्री, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री में से अगर हम लोग 70 डिग्री को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 70 डिग्री को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो कितना है, वो है 20 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 110 डिग्री। तो इसका मतलब ये प्लस साइन की एक्सिस को उठा के अगर हम लोग एक्स टू टी तक के लेके जाए तो हमें टोटल कितना एंगल कवर करना होगा, हमें कवर करना होगा प्लस 110 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग ये साइन की एक्सिस को उठा के एक्स टू टी तक के लेके चले जाएंगे तो ये जो माइनस साइन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस साइन में। और आप कितना एंगल कवर कर रहे हो, 110 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हो, तो मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे एक्स टू ऑफ टी इज इक्वल टू 10 sin ωt, और यहाँ पर ये प्लस 10 डिग्री, प्लस 110 डिग्री। हमने प्लस साइन क्यों कंसिडर किया, क्योंकि आप देखो आप कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो, आप प्रोसीड कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी साइन होती है, पॉजिटिव साइन होती है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमने लिखा प्लस 110 डिग्री। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन हमें जो मिल रहा है, ये वाले इक्वेशन को अगर हम लोग रेफरेंस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो दोनों बहुत हद तक के आइडेंटिकल है। ये जो रेफरेंस जो सिग्नल है इसमें हमें जो एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और जो रेफरेंस है सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, साइन का सिग्नल है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला भी जो सिग्नल है इसमें हमें जो एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और ये वाला भी जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, साइन का सिग्नल है। यहाँ पर अभी आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है फेजर इक्वेशन। तो अगर हम लोग फेजर इक्वेशन लिखे तो हमें मिल जाएगा 10 एंगल, यहाँ पर ये प्लस 110 डिग्री, तो यहाँ पर ये प्लस 110 डिग्री। तो यहाँ पर हमने फेजर इक्वेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू अगर हम लोग लिखे तो हमें मिल जाएगा 10√2 at 10 angle प्लस 110 डिग्री। तो यहाँ पर हमने फेजर इक्वेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कितना आसान सा कॉन्सेप्ट, एकदम आसान है, यहाँ पर हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया एक सिग्नल जो कि हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच नहीं कर रहा था, उसको हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया ये ग्राफिकल अप्रोच के हेल्प से, जो कि बहुत हद तक के क्या है, आसान है, राइट। सिमिलरली हम लोग ये वाला सिग्नल भी कंसिडर करेंगे, ये वाले सिग्नल से भी हम लोग हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये वाला सिग्नल अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है x3 of t वो आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, x3 of t जो सिग्नल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको ये x3 of t सिग्नल कोसाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मगर आपको ये कोसाइन के फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको किसके फॉर्म में चाहिए, आपको चाहिए साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखो ये x3 of t सिग्नल और प्लस साइन के फॉर्म में आपको चाहिए, तो प्लस साइन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो प्लस साइन वाली जो एक्सिस है, ये प्लस साइन वाली एक्सिस अगेन आपको उठा के कहाँ तक के लेके जाना है, आपको लेके जाना है x3 of t तक के। तो x3 of t सिग्नल तक ले जाने के लिए ये साइन वाली एक्सिस को, प्लस साइन वाली एक्सिस को, आपके पास दो रास्ता है, एक बड़ा वाला रास्ता और एक दूसरा छोटा वाला रास्ता है। तो बड़ा वाला जो रास्ता आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करना, कुछ इस तरीके से आपको बड़ा वाला रास्ता मिलेगा, और छोटा वाला रास्ता आपको कैसा मिलेगा, छोटा वाला रास्ता आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो हमें कौन सा रास्ता फॉलो करना है, हमें छोटा वाला रास्ता फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये साइन के एक्सिस को, यहाँ पर ये साइन के एक्सिस को, ये साइन की एक्सिस को उठा के अगर हम लोग x3 of t तक के लेके जाए तो ओवरऑल प्रोसेस में हम लोग कितना डिग्री एंगल कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे 60 डिग्री एंगल। किस तरीके से कवर करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम बाद। यहाँ पर हम लोग कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको क्या कंसीडर करना होगा, आपको कंसीडर करना होगा -60 डिग्री। तो इसके बाद ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x3 of t इज इक्वल टू +5 sin ωt -60 डिग्री। तो आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा, x3 of t इज इक्वल टू +5 sin ωt -60 डिग्री। -60 डिग्री का एंगल हमने कैसा कवर किया इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला पूरा जो एंगल है, ये माइनस कॉस और ये प्लस साइन की जो एक्सिस है, दोनों के बीच का जो एंगल आपको जो मिल रहा है कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है, 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग 30 डिग्री को अगर सब्ट्रैक्ट करते तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, ये वाला जो एंगल है वो हमें मिलेगा 60 डिग्री का। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग जो एंगल जो कंसिडर कर रहे हो कितना है, वो है 60 डिग्री, और हम लोग कंसिडर कर रहे हैं -60 डिग्री। उसका रीज़न ये है कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो यही रीज़न के वजह से यहाँ पर हमने कंसीडर किया -60 डिग्री। एक और एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो x3 of t जो सिग्नल है,
इसे हमें किसके फॉर्म में लेके आना था, इसको हमें प्लस साइन के फॉर्म में लेके आना था, राइट। तो प्लस साइन वाली जो एक्सिस है वो आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली एक्सिस दिखाई दे रही है। तो ये साइन वाली एक्सिस को उठा के आपको एक्स थ्री ऑफ टी सिग्नल तक के लेके जाना है। ऐसा नहीं कि एक्स थ्री ऑफ टी सिग्नल को उठा के आप प्लस साइन वाली एक्सिस तक लेके जा रहे हो, ऐसा करेंगे तो प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें जो प्लस साइन वाली जो एक्सिस है उसे उठा के एक्स थ्री ऑफ टी तक के ले जाना है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो x2 ऑफ t जो सिग्नल है वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो x2 ऑफ t जो सिग्नल था वो माइनस साइन के फॉर्म में था, और इसे हमें किसके फॉर्म में लाना था, प्लस साइन के फॉर्म में। तो प्लस साइन वाली एक्सिस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, x2 ऑफ t सिग्नल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये प्लस साइन वाली एक्सिस को उठा के हम लोग x2 ऑफ t सिग्नल तक लेके जाएंगे। x2 ऑफ t सिग्नल को उठा के प्लस साइन वाली एक्सिस तक हमें नहीं लेके जाना है। ये जो साइन वाली जो एक्सिस है, प्लस साइन वाली एक्सिस, उसको उठा के हमें x2 ऑफ t सिग्नल तक के लेके जाना है। हमें कुछ इस तरीके से x2 ऑफ t सिग्नल तक के लेके जाना है, राइट। तो आई होप यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फेजर इक्वेशन लिखे तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो x3 ऑफ t जो सिग्नल है वो हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ मैच करेगी। अगर हम लोग यहाँ से फेजर इक्वेशन लिखे, हम लोग यहाँ फाई एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, सिमिलरली आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में लिखे तो हमें मिल जाएगा फाई अपन अंडर रूट 2 एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री। यहाँ पर हमने लिखा आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में। यहाँ पर अगर आप बताओ, यहाँ पर क्या आप बता सकते हो कि कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है, कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है? आपके पास तीन सिग्नल है। यहाँ पर आपने ये तो लिख दिया फेजर इक्वेशन, तो आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में, मगर यहाँ पर हमें ये भी बताना होगा कि कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है और कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है। तो इसको हम लोग किस तरीके से बताएं कि कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है और कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको बताने का एकदम आसान सा प्रोसेस होता है। आपको टोटल कितने सिग्नल दिखाई दे रहे हैं? तीन सिग्नल। एक जो सिग्नल आपको जो दिखाई दे रहा है एक्स वन ऑफ टी, दूसरा जो सिग्नल है वो एक्स टू ऑफ टी, और तीसरा जो सिग्नल है वो आपको दिखाई दे रहा है एक्स थ्री ऑफ टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये x1 ऑफ t सिग्नल, यहाँ पर ये x2 ऑफ t सिग्नल, और यहाँ पर ये x3 ऑफ t सिग्नल। तो आपको बताना है कि कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है, कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है। तो लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट आसान रखने के लिए आप कोई भी दो सिग्नल कंसीडर करो, ये x3 ऑफ t सिग्नल और ये x2 ऑफ t सिग्नल हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। या फिर पहला x3 ऑफ t और ये x1 ऑफ t सिग्नल कंसीडर करते हैं। तो ये x3 ऑफ t सिग्नल और ये x3 ऑफ t सिग्नल और ये x1 ऑफ t सिग्नल, दोनों में से कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है और कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है, इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको एक एरो बनाना है, और वो जो एरो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से एरो बना लिया, और ये जो एरो कौन से डायरेक्शन में, जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बना लिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एरो की जो टिप है वो किसको इंडिकेट कर रही है, जो एरो की जो टिप है वो इंडिकेट कर रही है x1 of t को। तो इसका मतलब जो x1 of t जो सिग्नल है वो क्या करेगा, लीड करेगा कौन से सिग्नल को, x3 of t सिग्नल को। और इसका मतलब x3 of t सिग्नल क्या करेगा, लैग करेगा कौन से सिग्नल को, x1 of t सिग्नल को। तो x3 of t सिग्नल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कौन से सिग्नल को, x1 of t सिग्नल को। सिमिलरली यहाँ पर ये x1 of t सिग्नल और ये x2 of t सिग्नल, दोनों में अगर आपको बताना हो कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है, कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से एरो बना देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एरो की हमें जो टिप जो दिखाई दे रही है, एरो की हमें जो टिप दिखाई दे रही है वो किसको इंडिकेट कर रही है, एक्स टू ऑफ टी को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब जो एक्स टू ऑफ टी है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किसको लीड कर रहा है, एक्स वन ऑफ टी को। और एक्स वन ऑफ टी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, किसको लैग कर रहा है, एक्स टू ऑफ टी को लैग कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, ये x2 ऑफ t और ये x3 ऑफ t, दोनों के बीच में अगर हम लोग फेज बताना चाहे कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है और कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से एरो बना देंगे। यहाँ पर ये जो एरो, एरो की जो टिप है वो किसको पॉइंट कर रही है, एरो की जो टिप है वो x3 ऑफ t को पॉइंट कर रही है। उसका मतलब जो x3 ऑफ t है वो लीड कर रहा है किसको, x2 ऑफ t को। और जो x2 ऑफ t है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किसको, x3 ऑफ t को। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। यहाँ पर हमने चार सिग्नल कंसीडर करे, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया x1 ऑफ t सिग्नल, यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया x2 ऑफ t सिग्नल, x3 ऑफ t सिग्नल, x4 ऑफ t सिग्नल। यहाँ पर ये x3 ऑफ t सिग्नल और x4 ऑफ t सिग्नल के बीच में अगर हम लोग बताएं कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है, कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से एरो बना देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप हमें जो दिखाई दे रही है वो किसको पॉइंट कर रही है, x4 ऑफ t को पॉइंट कर रही है। इसका मतलब जो x4 ऑफ t है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, x3 ऑफ t को। और x3 ऑफ t क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किसको, x4 ऑफ t को, राइट। दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। सिमिलरली x4 ऑफ t और x1 ऑफ t अगर हम लोग कंसीडर करें, तो दोनों के बीच में हम लोग कुछ इस तरीके से क्या बना देंगे, दोनों के बीच में हम लोग कुछ इस तरीके से बना देंगे एरो। यहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरो है, यहाँ पर ये जो एरो हमने जो बनाया वो कौन से डायरेक्शन में आपको बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें नहीं बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एरो बनाया, एरो की जो टिप है वो x1 ऑफ t को पॉइंट कर रही है। इसका मतलब जो x1 ऑफ t है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, x4 ऑफ t को।
एक्स फोर ऑफ टी लैग कर रहा है किसको, एक्स वन ऑफ टी को। सिमिलरली एक्स वन ऑफ टी और एक्स टू ऑफ टी के बीच में रिलेशन बनाए बताए कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एरो बना देंगे। यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है किसको पॉइंट कर रही है, एक्स टू ऑफ टी को पॉइंट कर रही है। तो इसका मतलब एक्स टू ऑफ टी किस क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, एक्स वन ऑफ टी को। और एक्स वन ऑफ टी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किसको, एक्स टू ऑफ टी को। सिमिलरली एक्स टू ऑफ टी और एक्स थ्री ऑफ टी के बीच में बताएं कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से एरो बनाया। एरो की जो टिप है वो इंडिकेट कर रही है एक्स थ्री ऑफ टी को। इसका मतलब जो एक्स थ्री ऑफ टी है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, एक्स टू ऑफ टी को। और इसका मतलब एक्स टू ऑफ टी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है किसको, एक्स थ्री ऑफ टी को। एक्स थ्री ऑफ टी को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से एडवांस फेजर एनालिसिस हम लोग कंसिडर करते हैं। जो सिग्नल होता है उसे हमें एडवांस वे में कुछ इस तरीके से एनालिसिस करना होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसी को ही हम लोग बोलते हैं एडवांस फेजर एनालिसिस, राइट। इससे पहले हमने जो फेजर जो पढ़ा था, जैसे कि एकदम सिंपल वर्ड में हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है करंट। इंडक्टर अगर लगा होता है तो जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को, राइट। और अगर कैपेसिटर होता है तो क्या करता है, करंट लीड करता है किसको, वोल्टेज को। ये हमने दो एरो बनाया था और एरो के हेल्प से हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, जो कि सिंपल फेजर एनालिसिस थी। मगर यहाँ पर हमने बहुत सारे सिग्नल कंसिडर करे। हमने क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन समझा, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एडवांस फेजर एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन के केस में। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तो हम लोग ये फेजर के बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एडवांस फेजर एनालिसिस है उसको हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे।